हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमरस निशि। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रेड लिप्स मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। सो गाइस, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस मॉइस्चराइजर इल्यूमिनेटर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस, ये हमारी स्किन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को और बहुत अच्छे से मेकअप बेस का काम करता है। तो इसको हम पूरे फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट गाइस, अभी हम अप्लाई करेंगे ओलिविया पेन स्टिक। तो यहाँ पर मैं ओलिविया पेन स्टिक की 2 शेड्स अप्लाई करूंगी, 02 एंड 03। जो 02 है वो लाइट है और 03 जो है वो नेचुरल है। तो इसको मिक्स करके मेरी परफेक्ट शेड बन जाती है। तो इसको हम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो इसकी जो कवरेज है कितनी अच्छी है, इसने कितने अच्छे से मेरे डार्क स्पॉट्स को हाइड कर दिया है, कवर कर दिया है। तो इसको लगाने के बाद आपको अलग से कोई भी कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, ये वाली जो ओलिविया पेन स्टिक है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। नेक्स्ट गाइस, अभी हम अप्लाई करेंगे लूज पाउडर। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का मैजिक लूज पाउडर। तो आप कोई भी लूज पाउडर, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो अपने मेकअप बेस को सेट करने के लिए। तो इसे हम पूरे फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, अपनी अंडर आई एरिया पर, अपनी आई लिड को सेट कर लेंगे ताकि हमारा जो मेकअप है, मेकअप बेस है, वो क्रीज ना करे। नेक्स्ट गाइस, ब्राउन्जर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एले कलर्स का ब्राउन्जर, अपने फेस के ऊपर एक डायमेंशन देने के लिए, फेस को ब्रॉन्ज लुक देने के लिए। तो इसको हम पूरे फेस के ऊपर, अपनी चीक्स के ऊपर, अपनी नोज के ऊपर, अपनी फोरहेड पर, अपनी जॉ लाइन के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट गाइस, मैं सेम ब्राउन्जर को यूज़ करूँगी अपने आई मेकअप के लिए। तो आप कोई भी ब्राउन शेड ले सकते हो आई मेकअप को करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये वाली ब्राउन शेड को अपनी आई लिड के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से इनवर्ट आउटवर्ड सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर लेंगे। तो ये वाली जो आई मेकअप है, ये हल्का सा स्मोकी होने वाली है, ब्राउन स्मोकी आईज विद गोल्ड कलर होगा। तो गोल्ड कलर को हम सेंटर में अपनी आई लिड के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। और ये वाली गाइस आई मेकअप लुक आप देख सकते हो कितनी ईजी है। सिर्फ आपको 2 शेड्स चाहिए, एक ब्राउन और एक गोल्डन। तो उसको मैं फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन फिर से एक ब्रश लेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखें गाइस कि जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, सेम कलर को हम अपनी लोअर लैशेज़ के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। देन उसके बाद फ्रंट पर हम अप्लाई करेंगे जो गोल्डन कलर मैंने अपनी आई लिड के ऊपर अप्लाई किया था, वही सेम कलर को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट गाइस, अभी हम यूज़ करेंगे मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन का हाइपर लैश कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो हमारी लैशेस को बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है। आप देख सकते हो इसको अप्लाई करने के बाद आई लैशेस कितनी सुंदर लग रही हैं। तो इसको हम अच्छे से अपर लैशेस पर, लोअर लैशेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट गाइस, अभी हम अपने आईब्रोज को फिल करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पैलेट अपने ब्राउज को फिल करने के लिए। नेक्स्ट गाइस, मैंने ऑफ कैमरा फॉल्स आई लैशेज अप्लाई कर ली थी और ये वाली आई लैशेज रेड चेरी की आई लैशेज हैं, काफ़ी अच्छी हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ब्लशर अपनी चीक्स को पिंकी पिंकी सा दिखाने के लिए, बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्लशर को अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट गाइस हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंड बाई बेका ब्लिंकिंग आई शेडो क्वीन 7। सो ये एक आई शेडो है बट इसको हम एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसको अप्लाई करने के बाद फेस के ऊपर कितना अच्छा ग्लो आ गया है। तो इसको हम अपने चीक्स के ऊपर, नोज़ के ऊपर, फोर हेड पर अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट गाइस लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इन कलर की मैट मी लिपस्टिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, मैट है गाइस, ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती। नेक्स्ट गाइस मेकअप को सेट करने के लिए हम यूज करेंगे स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सो गाइस यहां पर मेरी जो मेकअप लुक है वो होती है कंप्लीट। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वाली मेकअप लुक, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाली मेकअप लुक कैसी लगी है, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन को क्लिक करके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।